हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज एक जबरदस्त वीडियो लेकर आई, वीडियो है मोबीक्विक के जिप बैलेंस की तरफ से। यानी अगर आपके मोबीक्विक के जिप बैलेंस है तो कैसे आप बैंक पर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी जीरो इंटरेस्ट के साथ, यानी जीरो चार्ज के साथ। बने रहे इस वीडियो के अंत तक। चलिए यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं शुरुआत। वीडियो शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है इस बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ऐसे इंटरेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो मोबीक्विक ऐप्स उस ऐप्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं अपने जो जिप बैलेंस है वो जिप बैलेंस आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ये जिप बैलेंस है, जिप बैलेंस इतना है। अगर आपके वॉलेट पर भी बैलेंस है वो भी आप विड्रो कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड की जरूरत है, वो है पेटीएम बिजनेस क्यूआर कोड। उस क्यूआर कोड का आपको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद आपको होम पेज पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये स्क्रीन ऑन पे, उस वाले सेक्शन पर जाना है। जाने के बाद अपने जो बिजनेस क्यूआर कोड कलेक्ट कर चुके हैं उस क्यूआर कोड का आपको स्कैन कर लेना है। जब ही स्कैन करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि आपकी कितने अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली वो अमाउंट टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम विड्रॉ का लिमिट है आपको 1999 करके। जी हाँ, आपको 1999 से ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, तो आपको 1999 टाइप करना है या आप जितने सहित नहीं अमाउंट आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्रॉम, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या आपका जो मोबीक्विक वॉलेट है वॉलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या आपका जो जिप बैलेंस है जिप बैलेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके जिप बैलेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको कुछ वक्त के बाद अगेन ट्राई करेंगे तो वो ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि जो जिप बैलेंस है कभी कभी शो होता है, कभी कभी शो नहीं होता है। अगर शो ना हो तो आप बाद में ट्राई करें, एक दिन दो दिन के बाद अगेन ट्राई करेंगे तो ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। उसके बाद आपको मोबीक्विक जो जिप बैलेंस है जिप बैलेंस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते ही आपका जो बैलेंस है, आपको मोबीक्विक जो जिप बैलेंस है वो बैलेंस डायरेक्ट आपका जो बिजनेस क्यूआर कोड है पेटीएम का उस पर चले जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।